अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी सर्दी के मौसम में आप अपने हाथों और पाँव को ख़राब होने से किस तरह से बचा सकते हैं। विंटर की वजह से हमारे हाथ और पाँव जो हैं उनकी रंगत काली पड़ जाती है। रात तो कोई भी गोरा चिट्टा नहीं हो जाता, लेकिन थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है और थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट हो चाहे वो आप यूज़ करें और लेकिन वो थोड़ा टाइम लेती है। तो ये जो क्रीम मैं आज आपको बताऊंगी, ये आपको रातों रात तो गोरा नहीं करेगी, लेकिन आपको 2 से 3 दिन में इसका रिज़ल्ट ज़रूर मिल जाएगा। और अगर आप इसे लगातार यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट देगी। इसके अलावा ये क्रीम आपने अपने फेस के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं करनी। इस तरह का एक खाली कंटेनर ले लेना है आपने। मेरे पास ये पैन डब्ली का कंटेनर जो है वो खाली हो गया था, तो मैं अभी इसी में जो है वो बना लूँगी। तो सबसे पहले हम ले लेंगे बेटनोवेट, ये हमने हाफ़ लेनी है, ये आपने पूरी नहीं लेनी, हाफ़ काफ़ी हो जाएगी। तो जितनी क्वांटिटी मैं आपको बताऊं आपने उसी हिसाब से क्वांटिटी लेनी है, फिर आपने बाद में नहीं कहना कि इसमें इसका रिज़ल्ट नहीं आया। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो क्वांटिटी आपको बताई जाए उतनी ही आपने लेनी है। ये हाफ़ मैंने पूरी निकाल ली थी। और इसके बाद हमने ले लेनी है ये क्लोबोवेट, और ये हम इसमें शामिल कर देंगे पूरी। ठीक है, पहले हमने बिटनोवेट जो शामिल की थी वो हाफ़ थी, और ये हमने इसमें पूरी शामिल कर देनी है। पूरी ट्यूब जो है वो हम निकाल लेंगे इस तरह से। तो इसको आपने जो है वो प्रेस करके हाथ की मदद से इस तरह से निकाल लेना है। सारा अच्छे से आपने इसमें से जो ट्यूब है वो क्रीम है जो वो निकाल लेनी है। ये मैंने जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी थी, सारी निकाल ली थी। इसके बाद हम ले लेंगे गोल्डन पर्ल, ये आपको किसी भी कॉस्मेटिक्स शॉप से मिल जाएगी। ये आपने हाफ़ ले लेनी है इसका। इसको हम पहले निशान लगा कर हाफ़ कर लेंगे, पिन की मदद से आप निशान लगा के हाफ़ कर लें। उसके बाद जो है तो आप फोक की मदद से इसको निकाल लें। ठीक है, इस तरह से आपने इसको निकाल लेना है। तो ये देखें, ये मैंने हाफ़ निकाल ली थी इसमें, और ये बाकी की रह गई है ये। और साथ में हम इसमें शामिल करेंगे ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो है वो आपके हाथों को बहुत ही ज़्यादा नरम, मुलायम और सॉफ्ट करेगी। ये आप अपने हिसाब से जितनी आपको चाहिए उतनी ले लें। मैं थोड़ी ज़्यादा ही यूज़ करती हूँ ताकि हाथ जो है वो सॉफ्ट रहें, क्योंकि काम करने की वजह से हाथ जो हैं वो हार्ड हो जाते हैं। तो 4 हम इसमें ले लेंगे वाइटनिंग कैप्सूल, ये आपको कहीं भी किसी भी शॉप से मिल जाएंगे। ये 5 रुपये का एक है, तो ये आपको ईज़िली किसी भी शॉप से मिल जाएंगे। तो ये हम 4 जो हैं वो इसमें शामिल कर लेंगे। क्रीम जो है ना, ये आपने अपने फेस के लिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी, क्योंकि फेस की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो ये आपने सिर्फ अपने हाथों और पाँव के लिए यूज़ करनी है। इसको अब हम अच्छे से फोक की मदद से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि फोक की मदद से ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ, ये आपके फेस के लिए नहीं है, ये जस्ट आपने अपने हाथों और पाँव के लिए यूज़ करनी है। अगर आपने फेस पर यूज़ की तो आपकी स्किन ख़राब भी हो सकती है। जितनी क्वांटिटी मैंने आपको बताई है आपने इसी हिसाब से ले लेनी है, तो फिर ये आपको बहुत अच्छे ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगी और बहुत ही वाइटनिंग इफ़ेक्ट आएगा आपके हाथों पर। और 3 एप्लीकेशन के बाद आपको इसका रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। इस तरह से आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ये। और इसके बाद हम इसमें एक लास्ट क्रीम जो हमने शामिल करनी है वो है फेयर एंड लवली। ये हम बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में इसमें शामिल करेंगे, ताकि हमें बहुत अच्छे से जो है ना वाइटनिंग रिज़ल्ट मिले। हमारे हाथों और पाँव के जो नकल्स और स्याही आ जाती है सर्दी की विंटर की वजह से, वो ख़त्म हो जाए और हाथ नरम और सॉफ्ट हों। इसको शामिल करने के बाद हम दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, हम कितने अच्छे से ना सारी क्रीमें जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। आपकी जो मिक्सिंग है वो बहुत ही ज़बरदस्त होनी चाहिए, बिल्कुल जो है ना वो सॉफ्ट, और इसमें गुठली नहीं होनी चाहिए कोई भी, बिल्कुल सॉफ्ट से आपने इसको मिक्स कर लेना है फोक की मदद से। और इससे आपको बहुत अच्छे वाइटनिंग रिज़ल्ट मिलेंगे, बहुत ही जल्दी आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। जस्ट 3 एप्लीकेशन के बाद आपके हाथों और पाँव के जो नकल्स हैं और वो वाइट हो जाएंगे, और हाथ जो हैं वो आपके इंतहाई सॉफ्ट और मुलायम हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इसकी एप्लीकेशन कर लें, सुबह कर लें, दिन में और फिर रात में कर लें, तो बहुत जल्दी आपको इसके वाइटनिंग रिज़ल्ट मिलेंगे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।